आज हम एक प्रीमियम थीम डाउनलोड करेंगे और उसको यूज करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, देखेंगे कि उसको किस तरह से हम इंपोर्ट करते हैं उसके डिजाइन को और फिर उसको एलिमेंटर के साथ एडिट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक फ्री थीम यूज करते हुए एक वेबसाइट डिज़ाइन की थी बेसिक सी, और मैंने बताया था किस तरह से आप प्री बिल्ड टेम्पलेट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं और सिंपल उनको एडिट कर सकते हैं यूजिंग एलिमेंटर, जिससे आपका बहुत सारा टाइम बचता है। तो आज हम एक प्रीमियम थीम डाउनलोड करेंगे और उसको यूज़ करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, और देखेंगे कि उसको किस तरह से हम इंपोर्ट करते हैं उसके डिज़ाइन को और फिर उसको एलिमेंटर के साथ एडिट करते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि ये सारा काम हम किस तरह से करेंगे। तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे देखिए मैं आ चुका हूँ इन्वेटो एलिमेंट्स के ऊपर। तो इसकी सब्सक्रिप्शन मैंने ली हुई है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, स्टॉक वीडियोस, वीडियो टेम्पलेट्स एंड ऑल। राइट नाउ हम यहाँ पे देखने आए हैं वर्डप्रेस एलिमेंट थीम्स। तो मैं सिंपल आता हूँ वर्डप्रेस के ऊपर और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ थीम्स ओनली, कि मुझे सिर्फ थीम्स दिखाए, और मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ कि वो थीम्स दिखाए जो एलिमेंटर बेस्ड हो। राइट, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा और एलिमेंटर वाले जितने भी थीम्स हैं वो हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे एलिमेंटर बेस्ड जो थीम्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे शो हो चुके हैं। राइट, तो हम यहाँ से कोई भी थीम उठाएंगे, डाउनलोड करेंगे और फिर उसको यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास एक लॉ एजेंसी वेबसाइट है, तो मैं ये थीम क्या करता हूँ, सिंपल डाउनलोड कर लेता हूँ और यहाँ पे सिंपल यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट डाउनलोड हो चुका है। मैं इसकी डेस्टिनेशन जो है वो चेक करता हूँ कहाँ पे है, तो मैं इसको यहाँ से उठा के ज़रा डेस्कटॉप पे ले आता हूँ। अगर मैं इसको मिनिमाइज कर दूँ यहाँ से, ओके, तो मैं इसको ले आया हूँ यहाँ पे और इसको मैं अनजिप कर लेता हूँ। राइट, तो इसके अंदर से ये हमें फोल्डर मिल गया। इस फोल्डर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर ये हमारे पास थीम है, अपलोडेबल फाइल ये है और ये हमारा चाइल्ड थीम है। चाइल्ड थीम को हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, ये हमारा अपलोडेबल थीम है। और इसके साथ साथ हमारे पास लाइसेंसिंग, स्लाइड शो और डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन पेड थीम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसके अंदर, इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको कंप्लीट मैनुअल मिलता है कि किस तरह से इस थीम को आपने यूज़ करना है, इंपोर्ट करना है और सारी चीज़ें इसकी एडिट करनी है। अगर आपको हेडर एडिट करना है, किस तरह से करना है, तो तमाम इन्फॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको मिल जाती है। राइट, तो ये आपके लिए एज अ न्यू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सिंपल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन का लिंक है, और यहाँ पे देखें ये कंप्लीट डिटेल डॉक्यूमेंटेशन बताएंगे कि इस थीम को इंस्टॉल किस तरह से करना है, इस थीम को अपडेट किस तरह से करना है, थीम के ऑप्शंस कौन कौन से हैं, उनको किस तरह से आपने जो चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बड़ी डिटेल के अंदर हमें उन ऑप्शंस को बताया। राइट, तो यहाँ पे देखिए केस स्टडी का कोई ऑप्शन है, होगा इसके अंदर, उसको किस तरह से आपने मैनेज करना है। तो यहाँ पे बड़ी डिटेल के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें गाइड की गई हैं इस स्पेसिफिक थीम के बाद। तो चलते हैं इस थीम को जो है वो इंस्टॉल करते हैं। तो मैं आता हूँ वापस अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली वेबसाइट बिल्कुल फ्रेश है कम्प्लीटली, मैंने सारी चीज़ें अगेन डिलीट कर दी हैं। तो यहाँ हमारे पास थीम है, तो सिंपल हम यहाँ पे इस थीम्स के ऊपर आते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एड न्यू करने के बाद अपलोड, और अपलोड से हम जो हमारा स्पेसिफिक थीम है जो कि हमारा डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा है ये लॉ एजेंसी के अंदर, ये वाला, तो मैं इसको सिंपल सिलेक्ट कर लूँगा और इंस्टॉल कर लूँगा। इंस्टॉल होने में ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, थोड़े से टाइम के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद इस थीम को हमने एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद ये हमें कहेगा कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं, तो वो बेसिकली आपके सामने ही ऑप्शन नज़र आ जाएगा, जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आस्ट्रा को इंस्टॉल किया था। तो सिंपल यहाँ मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। एक्टिवेट करने के बाद देखें यहाँ पे अगेन ये ऑप्शन हमारे पास आ गया, दिस थीम्स रिक्वायर द फॉलोइंग प्लगइन्स। तो ये इस थीम के साथ, हर थीम के साथ डिफरेंट प्लगइन्स आते हैं, तो आपको इसी तरह से इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो मैं सिंपल इस पे बीइंग इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमारे पास इंस्टॉल
इन सबको मैं एक ही टाइम में सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ और अप्लाई करता हूँ। ये सारे प्लगइन्स जो इस थीम के लिए रिक्वायर्ड हैं वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल एंड एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो ये देखें, ये सारे प्लगइन्स जो है वो इंस्टॉल एंड एक्टिवेट हो चुके हैं। बाज़ूकात सिर्फ इंस्टॉल होते हैं, आपको बैक स्टेप पे जाके दोबारा से उनको एक्टिवेट करना पड़ता है। देखें अभी सिर्फ इंस्टॉल हुए हैं, तो मैं दोबारा से इनको सिलेक्ट किया सबको और एक्टिवेट कर दूंगा आपकी बार। तो ये जो है सारे प्लगइन्स एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको नज़र आने लग जाएंगे जो कि उस थीम से रेलिवेंट होंगे। तो मैं इसको भी एक्टिवेट कर देता हूँ, ये एक रह गया था। ओके, तो इसको मैं क्या करता हूँ, स्किप कर देता हूँ और वापस हम जरा एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखें आपको कुछ और ऑप्शंस नज़र आने लग गए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अब हर थीम का एक डेमो जो है वो होता है। अब मैं यहाँ पे इसका डेमो वाला ऑप्शन देखता हूँ कि जिससे वन क्लिक के जरिए मैं इसका पूरा डेमो इम्पोर्ट कर लूँ, जैसा ये हमें नज़र आ रहा था यहाँ पे। देखें जिस तरह से ये हमें प्रीव्यू के अंदर नज़र आ रहा था, उसी तरह से इसका डिज़ाइन एज इट इज़ हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे इंपोर्ट होना चाहिए। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, और सम टाइम अपेरेंस के अंदर ही इंपोर्ट डेमो का ऑप्शन होता है। सम टाइम आप अपेरेंस के अंदर देख सकते हैं, टूल्स के अंदर देख सकते हैं। अगर आपको इंपोर्ट डेमो का ऑप्शन ना मिले तो आप डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हैं कि इस थीम का डेमो किस तरह से इंपोर्ट करना है हमें। तो सिंपल यहाँ पे हम अपेरेंस के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आया हुआ है इंपोर्ट डेमो डाटा। तो सिंपल मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे हमारा स्टिल एक जो प्लगइन है वो एक्टिवेट नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक्टिवेट कर दूंगा। अगेन ये मिस हो गया था आई गेस, या कोई और प्रॉब्लम है। मैं इस पर क्लिक करूँगा एक्टिवेट। तो यहाँ पे देखें अब हमारे पास सारे प्लगइन्स जो है वो एक्टिवेट हो चुके हैं। मैं इसको रिलोड करूँगा, अब ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ओके, तो सिंपल अब मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे बटन पे क्लिक कर दूंगा इम्पोर्ट डेमो डाटा, और यहाँ पे इनको मैं किसी को भी चेक नहीं करूँगा और इम्पोर्ट डेमो डाटा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद जितना भी जो भी डिज़ाइन एज इट इज़ हमने प्रीव्यू के अंदर देखा था वो हमारे वेबसाइट पे अप्लाई हो जाएगा, और उसको फिर उसी तरह से हम एडिट कर सकेंगे जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर के अंदर आस्ट्रा का जो डिज़ाइन एलिमेंटर के जरिए एडिट किया था। जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो हम रख लेंगे, उनको एडिट कर लेंगे, अल्टर कर लेंगे। जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए होंगी उनको हम डिलीट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं और इंपोर्टिंग कंटेंट यहाँ पे हो रहा है। सम टाइम ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है। सम टाइम ये फौरन हो जाता है और सम टाइम ये फेल्ड भी हो जाता है, आपका डेमो डाटा इंपोर्ट नहीं होता। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा थीम यूज़ कर रहे हैं। मार्केट के अंदर डिफरेंट थीम्स अवेलेबल हैं, अलॉट ऑफ मिलियंस ऑफ थीम्स अवेलेबल हैं। ऑब्वियसली बात है, सारे थीम क्वालिटी वाले थीम्स नहीं होते। आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि कौन सा थीम क्वालिटी वाला है, कौन सा क्वालिटी वाला नहीं है। तो मैंने यहाँ पे जो है इंपोर्ट कर लिया और ये सक्सेसफुली हमारा इंपोर्ट हो चुका है। अब अगर मैं अपनी वेबसाइट को देखूँ तो वो एज इट इज डिज़ाइन हुई पड़ी होगी हमारे प्रीव्यू के मुताबिक। तो यहाँ पे देखें हमारे पास हमारी जो वेबसाइट है वो कम्प्लीटली डिज़ाइन हो चुकी है। मैं अगर आपको दिखाऊँ, इसको लोड हो लेने दें। यहाँ पे देखें कम्प्लीटली डिज़ाइन हो चुकी है एज इट इज़। अब यहाँ पे जो इशू आ रहा है हमारे पास वो, इसको मैं ज़रा एक बार अच्छे से लोड कर लूँ। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे इशू आ रहा है वो ये आ रहा है स्लाइडर का। तो स्लाइडर सब हमें क्या करना पड़ता है, मैन्युअली सेटअप करना पड़ता है सम केसेस के अंदर, सम थीम्स के अंदर, और कुछ के अंदर ये ऑटोमेटिकली ही सेटअप हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ। ओके, एडिट विद एलिमेंटर करने के बाद मैं ज़रा इसका बैकग्राउंड पे जाता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास ये स्लाइडर रेवोल्यूशन अवेलेबल है, स्लाइडर का ऑप्शन। तो मैं इस पे जाता हूँ और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी जो स्लाइडर्स हैं जो इस थीम के साथ आए थे वो यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ हमारे पास कौन से जो है न्यू मॉड्यूल टेम्पलेट्स मैनुअल इंपोर्ट। तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखें ऑटोमेटिकली ऑलरेडी जो डिज़ाइन स्लाइडर्स होंगे वो यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। तो यहाँ पे देखें मैं क्या करता हूँ, अच्छा ये जो है अब मुझे ये प्रीमियम बाय करना पड़ेगा। तो सम टाइम
हमें क्या करना है, ये प्रीमियम बाय नहीं करते, हम यहाँ से इसको इस तरह से कट कर देते हैं। उस थीम की फाइल्स के अंदर ही हमें स्लाइडर मिल जाना चाहिए, राइट। तो मैं आता हूँ यहाँ थीम के अंदर और यहाँ पे ये हमारा लॉ एजेंसी और यहाँ पे देखें ये स्लाइड शो के ऑप्शंस है। तो हम क्या करेंगे, स्लाइडर रेवोल्यूशन के अंदर आएंगे और यहाँ पे मैनुअल इम्पोर्ट करेंगे सिंपल, और यहाँ से चूज करेंगे। चूज करने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे स्लाइड शो के अंदर। ये देखें तीन स्लाइडर दिए हुए इन थीम वालों ने, तो हम सिंपल होम वन वाला जो स्लाइडर है वो यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेंगे। इम्पोर्ट करने के बाद इम्पोर्ट क्यों नहीं हुआ, तो दोबारा से हम क्लिक करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ओके, आई डोंट नो ये क्यों नहीं हो रहा, तो मैं क्या करता हूँ कोई और सेकंड वाला कर लेता हूँ। ओके, मैं जरा इनको ओपन करके देखता हूँ कि ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है। ओके, तो ये हमारे पास एक्सपोर्टेड फाइल होनी चाहिए, तो मैं इसको ट्राई करता हूँ। लेट मी जस्ट ट्राई। ओके, मैं एक बार इसको रीलोड कर लेता हूँ जरा। रीलोड करने के बाद अगेन मैं क्या करता हूँ, मैनुअल इम्पोर्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें ड्रैग एंड ड्रॉप। तो इस फाइल सेक्शन को मैं यूज़ करता हूँ। ओके, इस पे भी हमारे पास जो है एरर आ गया। अगेन मैं क्या करता हूँ, इसको चूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे एरर आ रहा है कंटिन्यूसली, आई डोंट नो व्हाई। तो आप क्या कर सकते हैं, खुद से न्यू मॉड्यूल बना सकते हैं और यहाँ पे आप अपना स्लाइडर खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये देखें, इस पूरे थीम के अंदर हमारे पास क्या था कि हमने कंप्लीट अच्छे तरीके से एक वेबसाइट जो है वो इम्पोर्ट कर ली, लेकिन इसके अंदर एक इशू आ गया। वो ये आया कि जो इसका स्लाइडर है वो अच्छे से इम्पोर्ट नहीं हो रहा, उसके अंदर कुछ एरर है। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। लेट सपोज मैं अगर अबाउट पेज के अंदर जाता हूँ, तो अबाउट पेज अच्छे तरीके से डिज़ाइंड होगा और जो सारी चीज़ें हमने देखी थी प्रीव्यू के अंदर, ये देखें। सिर्फ आप क्या करोगे, ये देखें सारी चीज़ें एज इट इज़ डिज़ाइंड हैं हमारे पास। तो आप इनको आपने चेंज करना है, तो आप सिंपल क्या करोगे, एडिट विद एलिमेंटर करोगे, और एडिट विद एलिमेंटर करने के बाद आप सिंपल इसको एडिट करोगे। अब यहाँ पे देखें, जैसे मैं एडिट विद एलिमेंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस आ रहे हैं, फुटर, हेडर बैनर। अब ये हेडर बैनर ये वाली चीज़ है, राइट। और ये जो फुटर बैनर है, ये फुटर, अगर आपने फुटर को एडिट करना है, तो फिर आप इस वाले सेक्शन को एडिट करना है, फिर आप डायरेक्टली एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे फुटर पे क्लिक करेंगे, तो फिर आप डायरेक्टली इसको एडिट करने के काबिल होंगे। तो आई होप मैंने बड़ी डिटेल के अंदर आपको समझाया किस तरह से आप पेड थीम को यूज़ करते हुए उसको इम्पोर्ट करते हैं, अपलोड करते हैं, इंस्टॉल करके एक्टिवेट करने के बाद उसका डेमो डाटा इम्पोर्ट करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के अबाउट मैंने आपको बताया। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस एलिमेंटर के अबाउट क्लियर हो जाने चाहिए। अब कोई भी चीज़ ऑलमोस्ट एलिमेंटर के रेलिवेंट नहीं रह गई है। आगे चल के हम एक चीज़ रह गई है, वो है टेम्पलेट किट्स, उनके अबाउट देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।